वेलकम टू दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं GoPro 11। अभी तक GoPro 10 अवेलेबल था, अभी हम लेकर आए हैं GoPro 11। तो GoPro 11 के अंदर हम आपके लिए ये डिवाइस लेके आए हैं और इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हम आपके सामने। तो ये GoPro आपके सामने बिल्कुल ब्रांड न्यू GoPro आज हमें रिसीव हुआ है 2 ईयर ब्रांडेड वारंटी के साथ, और इसका प्राइस है 51,500। तो आज हम इसको आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इस पैक के अंदर क्या क्या निकलता है और क्या क्या एक्सेसरी इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 ईयर वारंटी है इसके साथ, ये हम आपको दिखा दें, पूरी 2 ईयर वारंटी के साथ है ये अवेलेबल है। देर ना करते हुए, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने। तो ये इसकी सील आई है, जैसे एप्पल फोन में आती है सेम टू सेम सील है, तो ये हम ओपन करने जा रहे हैं आपके सामने। ये सील्स ओपन कर दिए हमने, जैसे इसका सील्स ओपन करेंगे तो इसके साथ एक सुंदर सा GoPro का केस निकलेगा। ये GoPro का केस निकला है इसके साथ। इसके बॉक्स पे हम आपको बता दें कि इसके बॉक्स पे हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, एक GoPro आइटम निकलेगा, एक न्यू एंडेड बैटरी निकलेगी जो GoPro 11 में आई है, एक स्क्रू, एक माउंटिंग हिल, एक माउंटिंग क्लिप, एक टाइप सी केबल और एक बॉक्स, ये एक्सेसरी इसके साथ मिलेगी। तो देर ना करते हुए देखते हैं वो एक्सेसरी। बड़ा ही सुंदर ये स्लीवलेस चैन है, इसको ओपन करते हैं। ये कुछ मैनुअल्स इसके साथ आए हैं, जैसा कि इसकी ऑफिशियल ऐप है क्विकर, तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही आप इसको डालेंगे, ये ऐप फोन में डालिए और इसको इंस्टॉल कीजिए, इंट्रोडक्शन कीजिए, GoPro प्रेस कीजिए और ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे अपडेट करना पड़ेगा। इसके साथ ही इसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसको कैसे ओपन करना है, कैसे, मैनुअल है, GoPro के स्टिकर्स हैं तो इसमें बताया हुआ है। तो ये यहाँ पे दिखा रखा है कि 1, ये GoPro को ऐप से इसको क्विकर ऐप को डालिए, फिर इसको यहाँ से ओपन कीजिए, यहाँ बैटरी लगाएं, यहाँ इसका कैमरा मोड या वीडियो मोड ऑन कीजिए, यहाँ से ऑनो बटन है, ये इसका फ्लिप है, ये USB चार्जिंग है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन इसके साथ हमें मिले हैं। ये कुछ और मैनुअल्स इसके साथ मिले हैं, जैसा हर डिवाइस के साथ होते हैं, तो ये सब मैनुअल्स इसके हम रखते हैं इसके इस केस में। और अब हम दिखाते हैं कि इसके साथ और क्या मिला है। तो ये सामान इसके साथ आया है, एक टाइप सी केबल है नॉर्मल सी, एक माउंटिंग ग्रिप है इसके साथ जो आया है 3mm की टेप के साथ, ये स्क्रू है इसका टाइट होने के लिए, ये इसकी बैटरी है जो न्यू एडिशन आई है, और ये इसका माउंट है जिसमें ये स्क्रू टाइट किया जाएगा कुछ इस तरह से। और ये है हमारा मेन डिवाइस। तो ये है हमारा GoPro, बिल्कुल स्मॉल सा, अगर 11 और 10 की इस पे मार्किंग ना हो तो आप इसका पता ही नहीं लगा सकते। ये हम इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आपके सामने। ये हमारा GoPro निकल के आया, बिल्कुल छोटा सा कैमरा, बिल्कुल स्मॉल, सेम GoPro 10 की तरह, सिर्फ ये ब्रांडिंग से पता लगता है कि ये 11 एडिशन है, वरना सेम टू सेम ये GoPro 10 की तरह ही है। पीछे लिखा हुआ कि योर कैमरा मस्ट बी अपडेटेड एंड बिफोर कैन यूज इट। तो ये हम आपके सामने अभी करेंगे इसके साथ GoPro का, इसको अपडेट भी करेंगे। तो ये लेंस का कवर इसका उतार देते हैं, ये इसका लेंस है। तो ये GoPro आपके सामने है, और ये इसका केस जो कि आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक, और ये इसके मैनुअल्स थे, और ये इसके अंदर से सामान निकला है जो आपके सामने है A to Z। तो ये केस है बड़ा ही प्यारा इसके साथ, इसको ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए। तो ये GoPro है हमारा, ये इसकी बैटरी है, इसको भी निकालते हैं बाहर।
ये रही इसकी नॉर्मल सी बैटरी, और ये इसका फ्रंट स्क्रीन, ये इसका बैक स्क्रीन, ये इसका फ्रंट स्क्रीन, ये इसका माइक, और ये इसका नैनो माइक, और ये इसका, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो ये, और ये इसके माउंट जिसमें ये एक्सेसरीज अटैच हो जाएंगी जुड़ने के लिए। इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ आपकी बैटरी लग जाएगी और ये इस जगह पे आपका मेमोरी कार्ड लग जाएगा। ये माउंट निकल भी जाता है इसका, तो इसकी बैटरी लगाते हैं। मेमोरी कार्ड इस मॉडल के साथ आता है बट हमने ये ऑनलाइन लिया है तो इसमें हमें अवेलेबल नहीं हुआ है। ये बैटरी कुछ इस तरह से लगेगी, अंदर को जो स्लाइड है वो, या खाना इधर को कम है तो इसके सीधी इसमें लग जाएगी। ये बैटरी लगा दी हमने, इसी तरह यहाँ पे यहाँ मेमोरी कार्ड लग जाएगा, और ये टाइप सी केबल चार्जिंग के लिए है। मेमोरी कार्ड की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं इसमें, तो वैसे तो इसके साथ 32 GB मेमोरी कार्ड आता है अगर आप इसको ऑफिशियल साइट से बाय करेंगे, बट हमने इसे बाय किया है इस गोप्रो को फ्लिपकार्ट के थ्रू, क्योंकि इंडिया में ये अवेलेबल नहीं था, तो वहाँ पे हमें इसके साथ 32 GB मेमोरी कार्ड नहीं मिला है। और वैसे भी 32 GB जिस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस है, ये 4K अवेलेबल है, तो उस हिसाब से बहुत छोटा कार्ड है इसके काम करने के लिए, तो इसीलिए हमने इसके लिए 128 GB का सैमसंग का एक मेमोरी कार्ड भी इसके साथ हमने बाई किया है, जो हम इसमें रिप्लेस लगा देते हैं अभी। ये 128 GB का सैमसंग का मेमोरी कार्ड हमने लिया है इसके साथ, ये हम इसमें प्लग कर देते हैं। इस तरह से मेमोरी कार्ड प्लग हो जाएगा और यहाँ पर आपकी बैटरी प्लग हो जाएगी। बैटरी प्लग करने के बाद आप इस माउंट को यहाँ लगा दीजिए। अब आपका गो प्रो यूज होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका पावर बटन दबाएंगे, और जो कि इसमें फैसिलिटी है कि पावर बटन दबाते ही ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये ऑन हो गया है, ये गो प्रो के ब्रांडिंग आ रही है इसमें। ये हम हटा देते हैं इसका, ये जो हमारे फ्रंट के केस है इन्हें हटाने के लिए तो इसमें ऑप्शन था, बट इसको हटाने के लिए कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑन हो चुका है, इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज लेंगे और चलाने के लिए। देन ये पूछ रहा है एग्री, तो हम इसे एग्री कर रहे हैं। देन ये पूछ रहा है लोकेशन आपने ऑन रखनी है कि ऑफ, तो हम ऑन रखेंगे इसकी लोकेशन। अब ये कह रहा है कि क्विकर ऐप आप फोन में डालिए, तो ये ऐप मैं अपने मोबाइल में डाल रहा हूँ अभी इसके लिए। ये देखिए ये इसकी जो ऐप है उसका बेनिफिट क्या है कि एंड्रॉयड और एप्पल दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, iOS पे। तो हम प्ले स्टोर में जाएंगे, इसका एक ऐप है क्विकर के नाम से, जो इसकी स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा है। हम प्ले स्टोर पे गए, यहाँ हम लिखेंगे इसका ऐप जो कि इसके स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रहा है, क्विकर। तो ये ऐप है, इसका लोगो है गो प्रो प्रोफेशनल वीडियो ऐप। इस ऐप को आपने इंस्टॉल करना है अपने स्मार्टफोन में। जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल होगा तो ऑटोमेटिक इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये ऐप इंस्टॉल कर रहा है, देख सकते हैं आप, ये मेरे फोन पे ऐप इंस्टॉल हो रहा है।
ये क्विकर का ऐप इंस्टॉल हो रहा है इस फोन में। हाँ जैसे ही ऐप इंस्टॉल होके चलेगा तो आगे आपको दिखाई देगा, जो आपको टीवी की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हम इस ऐप को ओपन करते हैं, क्विकर ऐप को। जैसे ही ऐप ओपन हुआ तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये क्विकर के लिए यूज करने के लिए फोन बार बार कह रहा है और यहाँ पर हमें साइन इन करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं इस ऐप में। हम अपने गूगल अकाउंट के जरिए इसको सिंक कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो ये ऐप मेरे गूगल अकाउंट के थ्रू साइन अप हो रही है। डू यू वॉन्ट टू ऑनर ए गोप्रो, ये मेरे से ऐप पूछ रहा है कि आप गोप्रो के ऑनर हो तो यस कर दीजिए। सेटअप योर गोप्रो, यस। जैसे हमने सेटअप इस किया तो इसने कनेक्ट कैमरा करने के लिए कहा और अलाउ करते ही ये ब्लूटूथ के जरिए कैमरे को स्कैन करने लग गया। जैसे मेरा गोप्रो ऑन हो इस मोड पर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा आ रहा है गोप्रो का सर्चिंग द कैमरा और मेरी स्क्रीन पर आ रहा है और इसने हीरो 11 ब्लैक को फाउंड कर लिया और मैं कनेक्ट करने के लिए कहता हूँ तो इसने इसको कनेक्ट कर लिया। पेयरिंग के लिए कह रहा है तो ये डिवाइस मेरी इस ऐप के साथ पेयर होने जा रहा है। ये डिवाइस मेरी ऐप के साथ पेयर हो गया है और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इसको नाम दे रहा हूँ एचएस। मैंने इस कैमरे को नाम दिया, शायद इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। एचएस टैग दे देते हैं इसे नाम। जैसे मैंने ये नाम दिया तो ये सेव कर दिया और ये कह रहा है लेट्स मी इंस्टॉल योर अपडेट, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लेट्स इंस्टॉल योर अपडेट। तो मैं जैसे ही इसे कनेक्ट करूंगा गो प्रो हीरो का नया वर्जन अपडेट होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ मेरे मोबाइल स्क्रीन भी मैं आपके टीवी पे शेयर कर रहा हूँ और ये मेरा गोप्रो का स्क्रीन है जिसमें लिखा आ रहा है। इसमें भी एक सिंबल अपडेट होने लग गया है और ये कनेक्ट के लिए कह रहा है और ये अपडेट होना शुरू हो गया है। इसने लाइसेंस एग्रीमेंट करने के लिए कहा है, मैंने कर दिया। इसमें कह रहा है कि बैटरी 20% चार्ज है, तो पहले मेरी बैटरी को मुझे चार्ज करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं एक बार यहाँ पर बैटरी को चार्ज करके फिर आपसे बात करते हैं। हम इस ऐप को ओपन करते हैं, क्विकर ऐप को। जैसे ही ऐप ओपन हुआ तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये क्विकर के लिए यूज़ करने के लिए फ़ोन बार बार कह रहा है और यहाँ पर हमें साइन इन करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं इस ऐप में, हम अपने गूगल अकाउंट के जरिए। तो ये ऐप मेरे गूगल अकाउंट के थ्रू साइन अप हो रही है। डू यू वॉन्ट टू ऑनर ए गोप्रो, ये मेरे से ऐप पूछ रहा है कि आप गोप्रो के ऑनर हो तो यस कर दीजिए। सेटअप योर गोप्रो, यस। जैसे हमने सेटअप इस किया तो इसने कनेक्ट कैमरा करने के लिए कहा और अलाउ करते ही ये ब्लूटूथ के जरिए कैमरे को स्कैन करने लग गया। जैसे मेरा गोप्रो ऑन हो इस मोड पर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा आ रहा है गोप्रो का सर्चिंग द कैमरा और मेरी स्क्रीन पर आ रहा है और इसने हीरो 11 ब्लैक को फाउंड कर लिया और मैं कनेक्ट करने के लिए कहता हूँ तो इसने इसको कनेक्ट कर लिया। पेयरिंग के लिए कह रहा है तो ये डिवाइस मेरी इस ऐप के साथ पेयर होने जा रहा है। तो ये डिवाइस मेरी ऐप के साथ पेयर हो गया है और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं इसको नाम दे रहा हूँ एचएस। मैंने इस कैमरे को नाम दिया, शायद इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। एचएस टैग दे देते हैं इसे नाम। तो जैसे मैंने ये नाम दिया तो ये सेव कर दिया और ये कह रहा है लेट्स मी इंस्टॉल यूर अपडेट, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है लेट्स इंस्टॉल यूर अपडेट। तो मैं जैसे ही इसे कनेक्ट करूँगा गो प्रो हीरो का नया वर्जन अपडेट होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ मेरे मोबाइल स्क्रीन भी मैं आपके टीवी पर शेयर कर रहा हूँ और ये मेरा गो प्रो का स्क्रीन है जिसपे लिखा आ रहा है। इसमें भी एक सिंबल अपडेट होने लग गया है और ये कनेक्ट के लिए कह रहा है और ये अपडेट होना शुरू हो गया है। इसने लाइसेंस एग्रीमेंट करने के लिए कहा है, मैंने कर दिया। इसमें कह रहा है कि बैटरी 20% चार्ज है, तो
पहले मेरी बैटरी को मुझे चार्ज करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं एक बार यहाँ पर यहाँ पर बैटरी को हमने चार्ज बैटरी करके फिर निकाल लिया, आपसे बात बैटरी करते चार्ज थी, हैं। उसके बाद हमने अपने गोप्रो को चार्ज किया, और चार्ज करने के बाद हमने जैसे फोन किया तो वो ऑटोमेटिक इस एप्लीकेशन में कनेक्ट हो गया। तो अभी देख रहे हैं कैमरा बैटरीज का एरर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो अभी ये कैमरा गोप्रो हमने चार्जर के जो इसके साथ यूएसबी केबल आई थी उसके साथ प्लग कर दिया और चार्जर को लगा दिया। अभी जैसे ही इसकी 20% से ज़्यादा कैमरे बैटरी होगी जो कैमरा फर्मवेयर अपडेट करने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं कैमरा बैटरी पे रेड कलर का आइकॉन आ रहा है, डिवाइस बैटरी, एसडी कार्ड स्पेस, कैमरा ऑन, कैमरा अवेलेबल, सब कुछ मार्क है, सब कुछ ओके है। मगर प्रॉब्लम कहाँ है, केवल हमारा बैटरी का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम है, जिस वजह से अभी जो फर्मवेयर जो इसका फर्स्ट काम होता है गोप्रो का, फर्मवेयर को अपग्रेड करना वो नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर अरे देखिए कैमरा बैटरी चार्ज हो गई है पूरी और ये अभी ओके हो गया है। तो अब हम इस कंटिन्यू बटन पे जो हाईलाइट हो गया है इस पर जैसे ही टिक करेंगे तो ये टिक कर दिया हमने, ये देखिए फर्मवेयर इंटरनेट के जरिए अपडेट होना शुरू हो गई है। ये अपडेट कितनी फास्ट या स्लो होगी ये डिपेंड करता है अपने इंटरनेट स्पीड पर। ये डाउनलोड हो गई और अभी इंस्टॉल की जा रही है, फटाफट गोप्रो इसको इंस्टॉलेशन अपडेट कर रहा है। और थोड़े से हमने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है जिसकी वजह से प्रोसेस थोड़ा आपको लेंथी ना लगे, इजीली दिख जाए, पर फिर भी हमने कोई स्टेप मिस ना हो जाए अपडेटिंग का, ताकि जब आप अपना गोप्रो अपडेट करें तो आपको कोई तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। एक एक स्क्रीन हमने दिखाई है, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर दिया ताकि वीडियो का लेंथ मिनिमम बने। ये उसके बाद अपडेट पहले डाउनलोड हुआ फिर अपडेट हुआ, गोप्रो अपडेट होकर रीस्टार्ट हो रहा है। तो जब गोप्रो रीस्टार्ट हो रहा है तो यहाँ आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो ऐप है गोप्रो का उसमें रीकनेक्टिंग का सिंबल आता रहेगा, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ये रिकनेक्ट होगा तो आपका जो आपने नाम दिया हीरो 11 ब्लैक इज़ रेडी टू यूज़, ऊपर मेरा नाम आ गया एचएस टेक सिरसा, जो मैंने कैमरे को अपना पर्सनल नेम दिया वो दिखाई दे रहा है। लेट्स गो पे आप क्लिक करेंगे तो जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन है वो आपको दिखाई देगी। ये लेट्स स्क्रीन है, यहाँ पर हमें जो ऐप है क्विक इसको बाय करने के लिए कहा जा रहा है। मंथली रेंट और एनुअली रेंट, मंथली $99 मेरी रेंट 4 है। मेरा गोप्रो है जो गोप्रो पे क्लिक करने के बाद आई मीन चार ऑप्शन क्लाउड स्पेस अनलिमिटेड रखे हैं, ये भी अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं इंडियन रीजन से हूँ। तो ये देखिए इसको जैसे ही मेरा तो कंप्लीट अपडेट क्लिक कर रहा है तो इसने एक अपडेट और करेगा ये ऐप का। तो ये अपडेट के बाद इनेबल प्रीव्यू शुरू हो जाएगा जैसे ही हम इसको कर देंगे, तो ये इनेबल प्रीव्यू शुरू हो रहा है और जो गोप्रो की स्क्रीन पर दिखाई देगा वही चीज़ हमें इस ऐप के जरिए भी दिखाई देगी, यानी कि आपका मोबाइल इस ऐप के जरिए एक रिमोट डिवाइस की तरह काम करेगा। तो ये भी व्यू जो है ये प्रॉपर नहीं चला, बट हमने मोबाइल पे क्लिक करके इसका रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया है और ये रिकॉर्डिंग का टाइमिंग हमें दिखाई दे रहा है। ये हमने प्रीव्यू भी ऑन कर लिया तो ये हमें प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। जो गोप्रो की स्क्रीन पे प्रीव्यू है वही प्रीव्यू हमें मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम यहीं से मोबाइल स्क्रीन के ऐप से इसकी वीडियो सेटिंग को हाई क्वालिटी लेना है, एक्सटेंडेड बैटरी कौन से मोड पे चलाना है, ये सारी सेटिंग हम गोप्रो के बजाय अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। फोटो मोड में ले जाना है, वीडियो मोड पर जाना है, लाइव सेशन पर जाना है, उसके बाद GoPro.com पे भी ये लाइव हो जाता है, खुद का फेसबुक पे हो जाएगा, ट्विटर पे हो जाएगा, यूट्यूब पे हो जाएगा और अदर RTBM चीज पे हो जाएगा, मगर एक अनलिमिटेड क्लाउड स्पेस भी इसमें मिलता है जो हमें अवेलेबल नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी गोप्रो ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है और हमने इसे इंपोर्ट करवाया है और किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक सोर्स पार्टनर के जरिए जो बेसिकली फ्लिपकार्ट है। हमारा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट के साथ अच्छा नहीं रहा, उन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम है और मैं प्रेफर नहीं करूँगा फ्लिपकार्ट से मंगाए, अमेजोन से ही मंगाए, फ्लिपकार्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है और मुझे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, पर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पे हम गोप्रो के इस कैमरा में परसेंटेज, इजी मोड, उसका प्रोफेशनल मोड ये गोप्रो की स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जो ऐप है उसके जरिए। ऐप में आप यहाँ यहाँ क्लिक करिए, हाई परफॉर्मेंस मोड, कितने फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो बनाए, कितना रेजुलेशन रहे, 4K रहे, लाइव जाना, जो सारी चीज़ें आप गोप्रो की स्क्रीन पे टच
के करते हैं, वो आप इस ऐप के अटैच करके आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे भी करते हैं। देखिए मैं वाईफाई का फ्रीक्वेंसी बदल रहा हूँ, कैमरे का बैंडविड्थ बदल रहा हूँ, एलईडी के ब्राइटनेस कितनी होगी गोप्रो की, जीपीएस ऑन होगा या ऑफ होगा, लैंग्वेज इंग्लिश होगी, एंटी फ्लिकर कितना होगा 60 हर्ट्ज़ से, अगर आपकी रोशनी कम है तो डाउन है तो आपको ब्लिंकिंग करेगा, तो 60 हर्ट्ज़ कर सकते हैं आप इसको क्लिक करके। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है तो आप 60 हर्ट्ज़ पे कीजिए, 60 हर्ट्ज़ पे सिग्नल अच्छे आएंगे, और 50 हर्ट्ज़ पे वर्क करने पे थोड़ी सी क्वालिटी से आपको कंप्रो करना पड़ेगा, तो ये आपने देखना है। पर जो आपकी फिक्री की समस्या है, जो ब्लिंकिंग की समस्या है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी हर्ट्स को 60 to 50 करके। नेक्स्ट हम फिर प्रीव्यू पे आ गए हैं, या आप इनेबल प्रीव्यू पे करेंगे तो प्रीव्यू आना शुरू हो जाएगा गोप्रो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है। ये नीचे मोड है इसके, 4K वाला मोड, फ्रेम पर सेकेंड, वीडियो, फोटो, लाइव एडिटिंग, आप जिस भी मोड पर काम करना चाहते हैं उस सभी के सभी यहाँ पे मोड आ गए हैं। स्टैंडर्ड मोड, फुल फ्रेम, एक्टिविटी, और उसके बाद क्लिक करोगे तो उसकी भी स्पेसिफिकेशन डिटेल है, किस हर्ट्स फ्रेम पे कितना फ्रेम पर सेकंड आपको चाहिए, रेजुलेशन क्या चाहिए, 5K, 5K 4.3, 5K 8.3, 4K, 4K 4.3, 8.7, 2.7, एवरीथिंग आपको इस मोबाइल ऐप पे अवेलेबल होगा। ये देखिए लेंस का व्यू क्या चाहिए, वाइड चाहिए, लीनियर चाहिए, जो भी आपको सेटिंग्स बदलनी है आपको GoPro को टच करने की जरूरत नहीं है, ये ऐप के जरिए जस्ट आपको एक रिमोट प्रोवाइड हो जाएगा, उसके जरिए आप GoPro के सारे फंक्शन अपने मोबाइल ऐप से, उसका देखिए स्क्रीन साइज, कौन सा मोड लगाना, हाई परफॉर्मेंस मोड, स्लो परफॉर्मेंस मोड, पावर ऑफ करनी है, एवरीथिंग इस ऐप में सारे के सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बार बार, हम हर मोड के अंदर जा रहे हैं, एक्टिविटी मोड में जा रहे हैं, फुल फ्रेम में जा रहे हैं, फ्रेम पर सेकेंड, हर मोड पे इसके फ्रेम पर सेकेंड डिफरेंट है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये इनेबल बार बार हम जैसे मोड चेंज करते हैं तो एक बार ये प्रीव्यू मोड पे आ जाता है, जो आपकी इसकी स्क्रीन है उसके मेन मेन्यू पे आ जाता है। इसके बाद कहता है लेट्स ट्राई टू समथिंग लेस, ये अभी कह रहा है कि आप 2.4 GHz पे हो, अगर आप 5 GHz पे होते हैं तो ये जो परफॉर्मेंस है ये थोड़ा फास्टली परफॉर्म करेगा, जो इसकी कनेक्टिविटी है नेटवर्क में वो ईजी और थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हम बदल रहे हैं इसका मोड, कुड नॉट बी कनेक्ट, एक एरर आ रहा है हमें, गेट सपोर्ट के लिए प्रेफर किया जा रहा है। पर बाद में हम गए इसकी कम्युनिटी साइट पे, वहाँ भी हमें यही सब कुछ डिटेल्स GoPro की ऐप की टर्बो शूटिंग के बारे में आ गया, एंड्रॉयड के लिए भी पड़ा है, एप्पल के लिए भी अवेलेबल है। तो हम बैक आ गए, वहाँ कुछ था नहीं, बैक आके फिर हमारा कैमरा कनेक्टेड है और हम इसके जो चारों मोड है उसको देख पा रहे हैं। उसके अंदर जाके हम फ्रेम पर सेकेंड 120 हर्ट्ज़, 60, हर मॉड्यूल पे इसके जो फ्रेम पर सेकंड है वो डिफरेंट है। तो ये जैसा मोड पे आपने वीडियो बनाना है, स्टैंडर्ड मोड है, एक्टिविटी मोड है, फुल फ्रेम मोड है, टाइम लैप्स है, ये सभी मोड आपकी स्क्रीन पे हम बार बार आपको ओपन करके दिखा रहे हैं वन बाय वन। और ये हम कैमरे की स्क्रीन पे नहीं, ये हम मोबाइल ऐप के जरिए दिखा रहे हैं। ये फोटो वाला मोड हमने शुरू कर दिया है, फोटो वाले मोड पर भी इनेबल नहीं है, प्रीव्यू हमारा डिसेबल है। ये स्टैंडर्ड मोड है, ये हमारा GoPro रजिस्टर्ड हो चुका है मोबाइल के एंड्रॉयड ऐप में। दोबारा हमने क्लिक किया यहाँ पे आपको चीज़ दिखाने के लिए, जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा ये देखिए इस GoPro ने जो वीडियो शूट किया वो यहाँ पे हो गया, फ़ोन में सब प्ले हो रहा है, GoPro देखने की जरूरत नहीं है, आपके फ़ोन में डेटा भी कॉपी हो सकता है, आप उसको गैलरी में भी सेव कर सकते हैं और लाइव अपने फ़ोन पे भी GoPro अटैच करके देख सकते हैं। ये छोटा सा हमने एक वीडियो बनाया था, दो वीडियो है, दोनों हमें GoPro के मेमोरी से फोन पर दिखाई दे रहे हैं, तो बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रॉब्लम हमें आ रही है क्योंकि अभी ऑफिशियली GoPro ये उसके चार्जेस है, $499 पे करना चाहोगे तो एक साल के लिए आपको GoPro की एनुअली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये आप अपने गूगल प्ले में जो मेमोरी, जो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड अटैच है वहां से पे कर सकते हैं, एनी टाइम इस मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं, वरना ये सब्सक्रिप्शन आपको हर साल $499 आपको पे करने पड़ेंगे और ये चार्जेस आपको लगेंगे, ₹499 साल के हैं GoPro एप्लीकेशन के। और अगर आप लेना चाह रहे हैं क्लाउड अनलिमिटेड स्पेस जो अभी तक अवेलेबल नहीं है इंडिया में, तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे करीबन ₹5,000, क्योंकि उसकी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो $400-500 के करीब है, जो मोटा मोटा ₹4,000 से ₹5,000 के बीच आपकी इंडियन करेंसी में। और अभी जो अनलिमिटेड क्लाउड्स बैकअप इसका फैसिलिटी अवेलेबल है,
जिसमें आपको इसका इंश्योरेंस भी मिलता है कि अगर आपका सब्सक्रिप्शन में गोप्रो डेड हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो भी आपको नया गोप्रो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर ऐसी मज़ेदार वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे हिमसिंह टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक्स और शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ ब्लैंक वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए थे अभी टेस्टिंग में, तो वो हम आपको प्ले करके दिखा रहे हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय।